इंसान अपनी जिद में मारे गए। शुभ दिन है आज अमृता, ये लोग जो हमें तुम तक पहुंचने से रोकना चाहते थे आज मृत है। एक मौका तो दिया होता मां, हम साबित कर देते कि हम इतने कमजोर नहीं है। कितनी बार हमें अपने बाहर पिताजी को गोल होगा। अमृता तेरे सपना की हम तुझे बहुत सजा देंगे, जिंदगी भर रोएगा, पछताएगा कि तूने इन्हें मारा तो क्यों मारा। धमका रही है हमें, चुनौती दे रही है, अब तू देख कि तेरा अंजाम क्या होता है। जय महाकाल। ये क्या हो रहा है? नहीं 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 जय महाकाल। हमारा मुकुट कहाँ गया? हमारा मुकुट। हमारे आभूषण। ए नागिन, क्या कर रही है तू? नहीं छोड़ेंगे तुझे। कहाँ गई? कहाँ गई दुष्ट नागिन? सामने आ। खत्म। आज से तेरी सारी शक्तियाँ खत्म। नहीं। तेरे सारे सपने, सारी उम्मीदें खत्म। नहीं नहीं। तेरी सारी तपस्या, तेरे सारे अनुष्ठान खत्म। आज से तू एक आम इंसान की जिंदगी जिएगा। ये बड़े नाम है अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने का। हम अभी तुझे मासूम कर देंगे। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। ये क्या कर रही है तू? नागिन कहाँ चली गई? नागिन हमारी वर्षों की तपस्या व्यर्थ हो गई, हमारी शक्तियां समाप्त हो गई। वर्षों गवाए थे हमने इन सबको प्राप्त करने के लिए। हमें इतनी क्यों लग रही है? कमजोर हो गए। अब हमारा क्या होगा?
इंसान। हमें सांपों से भी डर लगने लगा। हमारे दुश्मनों ने इनकी जान ले ली। नहीं बेटा, आपकी वजह से विक्रम और सरोज की जान नहीं गई है, बल्कि आपको बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है। इस तरह रो के उनके त्याग को बर्बाद मत करो बेटा। आप सही कहते हैं बुआ जी, हमारी जान उनकी अमानत है। अब हमारा ये फर्ज बनता है उनकी अमानत परी को सही परवरिश दे। हाँ, आप सही कह रही हैं बेटा, और इस काम में हम आपके साथ हैं। यह सब हमारी असलियत चढ़ते हुआ सा हमारे दुश्मनों का हाथ परी तक ना पहुँचे, इसलिए हमें परी को कहीं दूर ले जाना होगा, जहाँ कोई हमारी असलियत ना जानता हो। हमें जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी होगी ऐसा। आप ठीक कह रही हैं बेटा, और अब आपको अपनी ताकत दुगनी करनी होगी ताकि उस दुश्मन का सर्वनाश कर सके। अब एक नहीं, दो दो माता पिताओं की मौत का बदला लेना होगा आपको। अमृता परी और बुआ के साथ एक छोटे से गांव में आकर बस गई। 10 साल देखते ही देखते बीत गए। ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। बेटा ये परी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बुआ सा। मोतीचूर के लड्डू लेने गए। आप कहते हैं ना कि पिताजी को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद थे। बहुत अच्छा किया बिटिया, पूर्वजों के बरसी में उनके मन पसंद की चीजें पूजा में रखने से स्वर्गीय आत्माओं को बहुत शांति मिलती है। माँ और पिताजी का देहांत हुए, आज 10 साल बीत गए, पर आज तक ये दुख हमारे दिल से नहीं गया कि उनकी मौत का कारण हम थे। बिटिया अब संपूर्ण आहुति दीजिए। बिटिया पूजा की विधि संपन्न हो गई। आज के दिन तुम दोनों बहनें अपने हाथों से जो भी दान दोगी, लोगों की दुआओं से तुम्हारे स्वर्गीय माता पिता की आत्माओं को शांति मिलेगी। वासा ये केशव कहाँ रह गया? हमने उसे धोतिया लाने के लिए कहा था। केशव को धोतिया लाने के लिए कहा था? हे भगवान, फिर तो आ गई धोतिया, पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा बावला। पैर में धोती नहीं फंसी होती तो हम भी जीत जाते। अरे धोती तो, अरे रे 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 धोती,
अरे भूल गए धोती। अरे भूल गए धोती। अरे धोती धोती। केशव ना बुआ सर कभी वक्त पर काम नहीं करता। आने दीजिए उस केशव। हमने उसे बार बार कहा था कि आज के दिन कम से कम देर ना करें, लेकिन देखिए आज भी वो देर हो गई। वो क्या है ना अमृता, सारी गलती खेल की है, पिट्टू की। हम तो धोती लेने जा रहे थे, मेरे मतलब आ रहे थे, जा रहे थे और वो बच्चों ने रोक लिया। और आपको तो पता है बुआ साहब की हमें पिट्टू कितना पसंद है, पर बुआ साहब हम जी जरूर गए हैं। तुम्हारी सजा यही है कि ये सारी धोतियाँ तुम ही उठाकर हमारे साथ मंदिर आओगे। अरे बस चुपचाप चलो हमारे साथ। हाँ हम ही तो चलेंगे। संभाल के। हाँ आओ जल्दी चलो। मारी बात बात। नमस्ते काकी। क्या बात है काकी, आज आप पूजा में नहीं आई? बहुत अच्छे। अरे तुम हमारा अपमान करो और हम थारे घर में पूजा में आए, इतने बगैरत नहीं है हम लोग। लेकिन काकी हमने आपका अपमान कब किया? क्यों, तूने हमारे छोरे से ब्याह करने से मने नहीं किया? अरे हम पूछते हैं क्या कमी है हमारे छोरे में? हाँ। हम पूछते हैं क्या कमी है, बस थोड़ा सा शराब भी तो पीता क्यों काकी? हाँ पिए, पी के घर में ही आए, दूसरे लोगों की तरह गलियों में मारा मारा नहीं फिरे। हाँ, लड़कियों का ब्याह सही उम्र में हो जाए ना बेटा तो ही भला होता है उनका। हाँ, इतनी बात भी मैं तेरे को इसलिए समझा रही हूँ कि तू मारे को पसंद है, वरना तो मारे छोरे के लिए लड़कियों की लहर लगी हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल छोरे। काकी मैंने एक बात बताओ है, जब इस छोरे के पीछे हजारों लड़कियों की लाइन लगी हुई है, उन्हीं में से इसकी शादी क्यों नहीं करवा देते? हाँ करा दूंगी, मारे छोरे को सारी उम्र के लिए कुंवारा नहीं बिठाए रखूंगी। हाँ हाँ। हे क्या इधर उधर देखे, चल कितनी बार कहा कि इधर, अरे इधर। बहुत बोलने लगे हो केशव। आप खुश कर लो जो करना है अब। चलो भाई। पंडित जी, पंडित जी। हाँ बिटिया। पंडित जी हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी गरीब आए आप उन्हें ये धोती अपने हाथों से दान करें। बाबा का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बिटिया। हे साईनाथ, दो महीने और बचे, उसके बाद मेरी शक्तियां पूरी तरह से मुझे प्राप्त हो जाएगी। मैं किसी से भी मुकाबला कर सकूंगी, किसी से भी। अब वक्त आ गया है बाबा, अब मैं इंतकाम लूंगी अपने दुश्मनों से, उनका जीना मुश्किल कर दूंगी। मेरी सालों की तपस्या को कामयाब करना बाबा। Oh
आखिरकार हमें तिलोत्ता मिल ही गया। इसकी मदद से हम अपनी पूजा पूरी कर पाएंगे। इन 10 सालों में हमने इतनी शक्तियां प्राप्त की है कि अब हम तांत्रिक बाबा से भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हैं। सिर्फ वो नागिन को हासिल करना है। एक बार वो नागिन हमारे कब्जे में आ जाए, फिर वो नागमणि हमारी मिट्टी में हो और हम इस दुनिया के बेताज बादशाह होंगे। अमृता बेटा, आपको नहीं लगता कि अब आपको परी को अपनी सच्चाई बता देना चाहिए? क्या आप नागिन हैं? हम बताएंगे बुआसा, लेकिन सही वक्त आने पर। अभी क्यों नहीं? बुआसा, परी अभी बच्ची है। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो वो बहुत डर जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे साथ रहने से मना करते। सच्चाई तो उसे बतानी ही है बुआसा, लेकिन वो बड़ी हो जाए तब हम उसे सब बता देंगे। हम अभी आते बुआसा। ईश्वर करे वो दिन कभी ना आए जब आप दोनों बहनों के बीच कोई दूरी आए। ये है वो भूत बंगला जहाँ भूत रहते हैं। हम सही जगह आ गए। भूत जी, भूत जी। अरे यार, जाने दे, चल चलते। नहीं यार, अब जब यहाँ तक आए तो भूत से मिलके जाते हैं।